नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी के तिलक कॉलेज समीप खिरहनी छात्रावास के छात्रों ने जैसे ही कलेक्टर के सामने छात्रावास की परेशानियां रखी, तत्काल कलेक्टर हरकत में आ गए। दोपहर में ही कलेक्टर ने जिला संयोजक को जाँच के लिए मौके पर भेजा और शाम होते होते लापरवाही सामने आने पर छात्रावास अधीक्षक को प्रभाव से हटा दिया। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खिरहनी की आकस्मिक जाँच की गई। जाँच के दौरान लापरवाही मिलने के बाद छात्रावास अधीक्षक को प्रभार से हटा दिया गया। कलेक्टर ने लापरवाह अधीक्षक के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जिला संयोजक पूजा द्विवेदी द्वारा की गई जांच में छात्रावास अधीक्षक दिनेश कोटवार उपस्थित मिले, लेकिन निरीक्षण के दौरान मजदूरी पर कार्यरत दो मजदूर कर्मचारी छात्रावास से गायब मिले। साथ ही छात्रों द्वारा बताया गया कि अधीक्षक श्री कोटवार द्वारा समय पर भोजन नहीं दिया जाता है, साथ ही छात्रावास की अन्य व्यवस्था के बारे में भी कुछ नहीं किया जाता है। अधीक्षक को प्रभार से मुक्त करते हुए अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खिरहनी के अधीक्षक का दायित्व अब अखिलेश मेहरा को सौंप दिया गया है। दरअसल छात्रावास अधीक्षक दिनेश कोटवार के विरुद्ध छात्रावास के छात्रों द्वारा कलेक्टर अवि प्रसाद से शिकायत की गई थी। कलेक्टर ने छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। कटनी, शैलेश पाठक की रिपोर्ट। हम लोग स्टूडेंट लगभग अभी तो 25 लोग हैं और बाकी लोग अभी नहीं आए हैं। क्या समस्याएं? समस्याएं हैं कि वहाँ गद्दा पल्ली कुछ भी नहीं है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। और नियम क्या है वहाँ पे खाना? खाने का नियम अभी हम लोग फर्स्ट आए हैं तो ज़्यादा मालूम नहीं है हम लोगों को खाने के नियम क्या है। अभी दो हफ्ते से ज़्यादा हो गए दीपावली के बाद। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश प्रसाद महार है। किस क्लास से? मैं MSc फर्स्ट ईयर से। नाम अरुण सिंह है, मैं BSc फर्स्ट सेकेंड ईयर का हूँ। मैं ST छात्रावास में रहता हूँ, बालक छात्रावास। हमारे यहाँ खाने की समस्या है और सोने के लिए कोई कम्बल वम्बल गद्दा तो कुछ नहीं है, ना पल्ली है, और खाने समय से नहीं मिल पाता है जिससे हमारे पढ़ाई में नुकसान भी हो रहा है। कितने समय पे मिलता है खाना? जी खाना हमें 12 बजे मिलता है सर, और खुद बनाते हैं, कोई बनाने वाला भी नहीं है। रहने वाले हैं आप? जी मैं कायतलाई जी। छात्रावास पर रहकर पढ़ाई करते हैं जी। कब से आपके वार्ड में शिकायत की आपने? जी कोई है नहीं तो किससे शिकायत करें, कोई नहीं है वहाँ वार्ड। छात्रावास चौकीदार? चौकीदार भी नहीं है आपके यहाँ? छात्रावास ना चौकीदार है ना वार्डन, कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो शिकायत कहीं किया था इसके पहले आपने? जी हमने किया नहीं, ये मैडम के पास किए थे। आपके छात्रावास कितने बच्चे? 25 लोग अभी रह रहे हैं, अभी कुछ लोग नहीं आए। ये सारे लोग कलेक्टर पहुंचे शिकायत करने के लिए? जी। कलेक्टर था तो मिल लिया आप लोगों ने? अभी नहीं मिले, अभी तो जा ही रहे थे, तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास किस जगह पर? खिरहनी तिलक कॉलेज के पीछे। आपका क्या नाम है? अरुण सिंह। किस क्लास में हैं आप? BSc सेकंड ईयर। वहाँ शासकीय छात्रावास में कुछ लड़के आए हुए थे स्टूडेंट्स, उनका कहना था, आरोप था, शिकायत थी कि हमको भोजन नहीं मिलता और ठंड का मौसम है, जो गर्म कपड़े होना चाहिए बिस्तर में, वो बिस्तर में नहीं है, ना वहाँ चौकीदार है ना वार्डन रहता है, और खाने पीने की चीज़ों में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। देखिए आज पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास के कुछ छात्र जो है कलेक्टर कार्यालय में मुझसे मिले थे। उनकी बेसिकली कुछ मांगे थी, उनकी मांगे जो हैं भोजन की गुणवत्ता और अधीक्षक की नियमितता के नियमित तौर पर जो है अधीक्षक वहाँ पर रहे, इस विषय में थी। तत्काल उनकी मांगों का संज्ञान लेके निरीक्षण के लिए जो है वो DD ट्राइबल को निर्देशित किया गया। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो DD ट्राइबल जो है वो मौके पर ही हैं। अभी मेरी जो दूरभाष पर जो उन्होंने मुझे जानकारी दी है उसके अनुसार वहाँ पर कुछ अव्यवस्था पाई गई है, और अभी हम लोगों ने तत्काल जो है जो वार्डन थे उनको प्रभार से हटा दिया है, और पास के ही एक अन्य छात्रावास के वार्डन को उस छात्रावास का प्रभारी बना दिया है, तो जो है तत्काल व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाएगा। सर जिले के हर एक छात्रावास की स्थितियों से भी आप अवगत हैं क्या, क्या स्थितियाँ हैं? देखिए और किसी भी छात्रावास से हमारे पास इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है, सभी जगह जो है शासन के निर्देशों अनुसार जो है वो अभी व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, और जब भी समय समय पर किसी भी स्तर से शिकायत आएगी उसको त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और नियमित निरीक्षण के माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। सर कुछ दिनों पूर्व अनुसूचित जनजाति के ही लोगों द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया था कि कन्या छात्रावास में जो वार्डन होते हैं वार्डन रात में नहीं रुकते हैं, घर अपने चले जाते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से अभी ये बात मेरे संज्ञान में आई है, इसकी भी जाँच करा दी जाएगी।